हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंपाइलर। व्हाट इज़ कंपाइलर? कंपाइलर होता क्या है? ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है आईटी टूल्स में कि मैं बता नहीं सकता आपको। ये हर बार ही क्वेश्चन आता है, लगभग 90% ये क्वेश्चन आता है कंपाइलर। व्हाट इज़ कंपाइलर? व्हाट इज़ इंटरप्रेटर? व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिकली हर आईटी टूल्स के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ओ लेवल से रिलेटेड कोर्स की, जैसे ओ लेवल हो गए, ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं या ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसे पढ़िए, ठीक है? इसे समझिए। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं कटते हैं, तो इसे आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो कंपाइलर मैं पढ़ा रहा हूँ। ये क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आईटी टूल्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप इसे अभी तुरंत तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। ओ लेवल अगर आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि ओ लेवल से मैंने सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं और ये आईटी टूल सब्जेक्ट है ओ लेवल का, तो इसमें मैंने बेसिक से हिंदी में वीडियो बनाए हैं, जो कि हिंदी में लगभग कहीं नहीं मिलते हैं वीडियो। सभी बच्चे परेशान रहते हैं हिंदी मीडियम वाले, कैसे तैयारी करें, कैसे क्या करें। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे लिखिए, नोट डाउन कीजिए और स्टार्ट कीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। व्हाट इज़ कंपाइलर? कंपाइलर क्या होता है? एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, ठीक है? यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया एक नंबर का, ये पूछा जाता है। मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ाता जाता हूँ साथ ही साथ, ठीक है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। मैंने जब सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, उसमें मैंने इसकी चर्चा की थी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है, ठीक है? तो आपने नहीं देखे हैं वीडियो पहले वाले, वो ज़रूर देखिएगा। कंपाइलर किसी हाई लेवल लैंग्वेज को, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है सी सी प्लस प्लस, उसको क्या कहता है? लो लेवल लैंग्वेज, यानी मशीन लेवल कोड में परिवर्तित कर देता है। मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित कर देता है, तो जिससे यह आसानी से एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है? जैसे कंपाइलर, जैसे क्या हो गया, जैसे हम सी सी पढ़ सी अगर हम प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे तो उसमें आता है कंपाइलर, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, जब हम सी का प्रोग्राम बना लेते हैं, उसे हम कंपाइल करते हैं, तब ये तब हमारा यूज़ होता है कंपाइलर। जब हम उसे कंपाइल करते हैं, तब उसका हमें रिजल्ट दिखता है कि वो किस उसका रिजल्ट क्या आया उस कोड का, तो ये होता है कंपाइलर, ठीक है? जब हम सी पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। एक कंपाइलर का कार्य किसी प्रोग्राम के कोड को मशीन लेवल कोड में परिवर्तित करने के साथ साथ उसकी एरर और मिस्टेक्स को भी जांच करना होता है। कंपाइलर क्या करता है, अगर हमने जब प्रोग्राम बनाया कोई सी में और वो हमसे उसमें एक कॉमा भी गलत हो गया, तो वो एरर दिखाएगा कि इस लाइन पर यह कॉमा नहीं लगा है, तो हम कॉमा को लगा देंगे, तो हम उसे तो ये होता है कंपाइलर का कार्य, ये भी होता है। तो आप इसे आराम से रटिएगा, मैं समझा रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिएगा और पेपर में ऐसी छाप कर आइएगा, ठीक है? कंपाइलर पहले एक प्रोग्राम को पूरी तरह जांचता है। क्या करता है कंपाइलर? पूरा प्रोग्राम लिया, उसे जांचा, अगर उसमें कोई एरर या मिस्टेक हुई तो उस तरह में क्या करेगा, इसे एग्जीक्यूट होने के लिए भेजेगा ना। अगर उसमें क्या कहते हैं, एरर या मिस्टेक नहीं हुई, तो उसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट होने के लिए भेज देता है। अन्यथा यह अपने आपके इसके एरर और मिस्टेक्स सही करने के लिए हमें सूचित करेगा अगर इसमें एरर होती है। तो कंपाइलर का उपयोग सी और सी प्लस प्लस में होता है। तो ये हो गया हमारा कंपाइलर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल का, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा ही है आपके लिए। अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ऐसे पूरे यूट्यूब पर किसी कोई पढ़ा रहा होगा। बिल्कुल हिंदी में सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, नोट्स भी तैयार हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स।